फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 ए रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम कोई भी नंबर लें पर वो किसकी फॉर्म में हो, पी और अपॉन में क्यू, और क्यू किसके इक्वल ना हो, 0 के इक्वल ना हो। तो हम ये भी लिख सकते हैं 0 अपॉन में 1, क्यों इसमें क्यू 0 के इक्वल ना हो, पर हमारा क्यू 0 के इक्वल नहीं है, और जो पी था वो चाहे तो 0 के इक्वल हो सकता है, तो हमारा वैसे भी 0 के इक्वल है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 अपॉन में 1, 0 अपॉन में 2, 0 अपॉन में 3, 0 अपॉन में 4। तो गाइस, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बस इसमें क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, हमारे एक भी आंसर में क्यू 0 के इक्वल है नहीं है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो फर्स्ट हम आपको सिंपल ट्रिक बता देते हैं कि जो 6 रेशनल नंबर निकालने हैं उसमें पहले हमको 1 ऐड करना होगा, तो 1 ऐड करने के बाद वो कितना बन जाता है, 7। तो हम 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 अपॉन में 1। 3 अपॉन में 1 को अपन सोल्व करेंगे तो 3 आता है आंसर, तो हम 3 अपॉन में 1 लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। 7 से इसलिए कि हमें 6 निकालने हैं तो हमको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमको 5 निकालने होते तो हमको 6 से करना होता, अगर हमको 4 निकालने होते तो हमको 5 से करना होता, क्योंकि इसमें 1 ऐड करके करना होता है, तो 1 ऐड करने के बाद 7 बन जाता है, तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को भी और 1 को भी, और ऐसे ही 4 को भी हमको कर देंगे 4 अपॉन में 1 इंटू में 7 इंटू में 7। तो 3 7 21 अपॉन में 7, 4 7 28 अपॉन में 7। तो इनके बीच का गैप आप देख ही सकते हैं कि 6 का आता है, तो 21 अपॉन में 7, 22 अपॉन में 7, 23 अपॉन में 7, 24 अपॉन में 7, 25 अपॉन में 7, 26 अपॉन में 7, 27 अपॉन में 7, 28 अपॉन में 7। तो गाइस, ये आप सोच रहे होंगे ये हमने ये बाहर की तरफ क्यों रखे और इसको ब्रैकेट के अंदर क्यों डाले, तो क्योंकि हमको इन इसके और इसके बीच की संख्या निकालनी थी, तो इसके बीच की संख्या निकल गई 1 2 3 4 5 6। हमको 6 ही निकालनी थी, पूछा ही क्वेश्चन में 6 था, तो 6 निकल गई और इसका आंसर यही हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। तो हमको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं 3 अपॉन 5 के बीच में और 4 अपॉन 5 के बीच में। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे, अगर 5 पूछे तो 6 करेंगे, 4 पूछे तो 5 करेंगे, 7 पूछे तो 8 करेंगे, तो हमको सिर्फ 5 पूछ रहा है, तो 5 में 1 जोड़ के 6 कर लेंगे, और इसको 3, ये पहले से पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, हमको इसको ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं थी, तो इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में किए थे, तो ये पहले से पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो इसको ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 अपॉन 5 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 6 18 होता है, 5 6 30 एंड 4 6 24 एंड 5 6 30। इनके बीच का गैप भी आप देख सकते हैं 5 ही होगा, तो आपको दिखा देता हूँ करके, 18 अपॉन में 30, 19 अपॉन में 30, 20 अपॉन में 30, 21 अपॉन में 30, 22 अपॉन में 30, 23 अपॉन में 30, 24 अपॉन में 30। तो गाइस, आप देख सकते हैं इनके बीच में भी 5 ही आए हैं नंबर, और बाहर इनके बीच का निकालना था, हमें इसको ब्रैकेट के बाहर रख दिए। तो हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
फोर्थ क्वेश्चन में हमको सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही पूछेंगे, तो इनके गिव रीज़न देना होगा। तो गिव रीज़न आप अपने हिसाब से कर लेना या इसके आंसर के हिसाब से, आंसर में इसके पीछे आंसर दे रखे होंगे उसके उसमें से देख के कर लेना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर होता है ना, वो क्या, वो होल नंबर है। तो मैं गाइस आपको एक बात बता दूं कि जो नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर हो सकता है, होल नंबर है वो इंटीजर हो सकता है, जो इंटीजर है वो रेशनल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, होल नंबर इंटीजर हो सकता है, इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है। तो इसमें होल नंबर वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, इंटीजर वो होल नंबर नहीं हो सकता, रेशनल वो इंटीजर नहीं हो सकता, रेशनल है वो होल नंबर भी नहीं हो सकता। तो इसमें सिर्फ राइट तरफ ही जाएगा, लेफ्ट साइड में नहीं आएगा। जो लेफ्ट साइड में आता है वो रॉन्ग माना जाएगा और जो राइट साइड में आता है वो राइट माना जाएगा। तो इसमें नेचुरल नंबर वो होल नंबर है, ये लेफ्ट राइट साइड जा रहा है, यानी कि इसकी इसका आंसर यस हो जाएगा। और सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। प्रत्येक इंटीजर होल नंबर है। तो हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, इंटीजर होल नंबर है, इंटीजर होल नंबर हो नहीं सकता, इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है। तो ये लेफ्ट साइड में जा रहा है तो ये इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। और इसका गिव रीज़न आप पीछे से आंसर में देख के कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। प्रत्येक रेशनल नंबर है वो होल नंबर हो सकता है। तो मैंने पहले भी बताया था रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में जा रहा है तो रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें गाइस।